ये है ब्रेड इंप्रूवर और ये है ग्लूटेन। दोस्तों दो जो है होने वाला है देखिए साइनिंग आपको दिख रही होगी। धीरे धीरे नाइफ चलाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है पाव की रेसिपी। यानी कि मैंने एक डो से दोस्तों पाव भी निकाले हुए हैं, हॉट डॉग भी निकाले हुए हैं। आप चाहे तो इससे सॉफ्ट रोल और बर्गर बन भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये जो पाव की रेसिपीज है मैंने स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाया हुआ है। फिर मत बोलना कि देव आपने मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया या उस चीज़ के बारे में नहीं बताया। मैंने आपको बेकिंग से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, मेथड से सब कुछ उसमें स्टेप बाय स्टेप से बताया हुआ है। तो दोस्तों जो रेसिपीज होती है वो एक होती है, यानी कि आप एक रेसिपी से कितने भी सारे आप अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड रहता है। तो बस इसमें से जो बकेट होता है या फिर फ्रेंच लोफ होता है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें शुगर और ऑयल का यूज नहीं होता है। उसमें सॉफ्टनेस एजेंट का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो हार्ड क्रस्ट होता है। ब्रेड जो होती है हमारे फ्रेंच लोफ वाली या अपनी बकेट वाली, वो हार्ड क्रस्ट पे होती है। तो इस चीज के लिए हम उसे उस रेसिपी में यूज नहीं करते। तो दोस्तों मैंने आपको इस रेसिपी से पाव और हॉट डॉग बनाना बताया हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी रेसिपी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। देखिए दोस्तों, बेकरी में तो मैदे से ही शुरुआत होती है, तो मैं करीबन 1 किलो मैदा ले लूंगा। ये है ब्रेड इंप्रूवर और ये है ग्लूटेन। अगर आप ब्रेड इंप्रूवर देखें तो एकदम व्हाइट में है, और अगर आप ग्लूटेन देखोगे तो हमेशा डार्क यानी कि आटे की तरह हो रखा है। तो ये भी करीबन 10 ग्राम जाएगा ब्रेड इंप्रूवर, और ग्लूटेन भी 10 ग्राम है। 10 ग्राम इंप्रूवर और 10 ग्राम ग्लूटेन, ठीक है। देखिए दोस्तों, मिल्क पाउडर मैंने ले लिया है, ये करीबन 80 ग्राम जाएगा। इसे आप कम भी कर सकते हैं, 60 ग्राम भी डाल सकते हैं, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये कलर और बहुत ही बढ़िया कलर के लिए, टेस्ट के लिए होता है, क्रिस्पीनेस के लिए डाला जाता है इसको। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेश ईस्ट है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ, इसका पूरा ब्लॉक है, इसको हम तोड़ के डालेंगे। ये देखिए कुछ अंदर से ऐसा होता है। ये दोस्तों फ्रेश ईस्ट है, ये करीबन आपका जाएगा 30 ग्राम। तो हम 1 किलो में 30 ग्राम डालेंगे इसको। अगर आप रेसिपी लगाते हो तो करीबन आप 1 किलो में 40 ग्राम डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा डालते हो तो ये आपका जो डो होगा कड़वा हो जाता है। तो इस चीज़ का भी एक ध्यान रख लेना कि हमारा जो ईस्ट है वो 40 से 30 ग्राम के बीच में ही होना चाहिए। इसमें ऑयल डालेंगे, देखिए ऑयल डालिया है करीबन 70 ग्राम। एक नंबर की स्पीड में चलाएंगे इसे, 1 मिनट दोस्तों। करीबन पानी डालेंगे इसमें 550 ग्राम। मैं इसमें आपको तोल के भी दिखा सकता था इसे मेजरिंग करके, बट इसमें दिखता नहीं है ध्यान से, इसलिए मैं आपको तोल के दिखा रहा हूँ। तो 550 ग्राम देखिए दोस्तों, दो जो है होने वाला डन। इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे बस। देखिए इससे ये होता है ना कि आपका जो डो है आराम से निकल जाता है। देखिए मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। अब डो की जो क्वालिटी है आप कैसे चेक करोगे, जैसे कि आप हल्का सा डो लेते हो, अब इसको साइडों से देखो, जैसे आप स्ट्रेच करोगे ना तो ये देखो जाले से कुछ इस तरीके से जाले निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि जो डो आपका डो है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्लूटेन और अच्छे तरीके से हर चीज़ दिख रही है आपको, एकदम जालीदार। तो जब हमारी ब्रेड बनती है ना तो वो भी एकदम जाले एकदम बढ़िया आती है, सॉफ्टनेस आती है, क्वालिटी होती है, वो चेक करते हैं, ठीक है। अब डो को हम काटेंगे, 46 ग्राम का काटेंगे दोस्तों, जो हम पाव के लिए काटेंगे 46 ग्राम लगभग। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काट के रख लिए, कुछ इस तरीके से मोल्ड लगाए हुए हैं। साइडों से मैंने ऑयल लगाया हुआ है कि चिपकी नहीं हमारी पाव, आराम से निकल जाए, डिमोल्ड हो जाए। तो दो मैंने लगा लिए बैच। तो अब इसको राउंड करके शेप में इसमें डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए राउंड शेप हाथ से आपको राउंड करना है ऐसे। देखिए साइनिंग भी आ रही है इसमें। देखिए दोस्तों, जो डो में आप साइनिंग देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से लगाना है आपको डो। ये देखिए कुछ आप हाथ से भी कर सकते हैं, आपको हाथ में ऐसे लेना, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, ऐसे राउंड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे फटाफट से हम सारे फटाफट से सारे राउंड करेंगे। देखिए अब जो मेरे पास डो बचा हुआ है, मैं करीबन 60 ग्राम काटूंगा हॉट डॉग के लिए बनाऊंगा, तो हॉट डॉग में 60 ग्राम डलता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने मोल्ड लगा लिया है, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है साइडों से, ये बीच में यहाँ पे साइडों से अंदर से मैंने ऑयल लगा लिया है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के हॉट डॉग के रिंग है। देखिए 60 ग्राम कट गया है, तो ऐसे ही मैं सारे काट लूँगा। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से राउंड करके रख लिए, अब इसको बनाऊँगा मैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से बना दिए मैंने लंबे लंबे। अब इसमें डालते हैं, कुछ इस तरीके से डालते हैं, ऐसे ही सारे बनाएंगे।
ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सारे बना लिए हैं। अब इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, तो इसको हल्का सा दबा लेंगे। मैं इसमें मिल्क पॉलिश मारूंगा, आप इसमें मिल्क पॉलिश मार सकते हो, एग की पॉलिश मार सकते हो, कि जिससे आपका कलर है जो भी अच्छा सही आए। इसको दबाते हैं इसलिए कि बराबर मोल्ड में आए। देखिए दोस्तों पाव को मैंने भी रख लिया है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से मैंने पाव में ऑयल लगा दिया है। ऑयल इसे लगा के मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया था, जिससे कि हमारे जो बराबर आ जाए। ठीक है, ये भी वैसे कर लिया था सेम। ठीक है, एक ट्रे ये लगा ली थी मैंने और एक ट्रे फिर लगा ली थी एक्स्ट्रा। देखिए कुछ इस तरीके से आप पाव की क्वांटिटी बड़ी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं। अगर आपको साइजेस में बड़ा चाहिए तो आप बड़ी ट्रे में बनाइए दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे साइज में बनाइए, छोटे में बनाइए, क्योंकि ऑयल लगा लिया मैंने इसमें और फिर इसको चैम्प इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो ऑयल लगाना भी जल्दी हो जाता है, तो ऊपर से ब्रेड सूखे नहीं, तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों पाव जो है प्रूफ हो गए हैं, अब इसको बेकिंग में मैं डाल रहा हूँ। ये अभी हॉट डॉग अभी हुए नहीं है, अभी थोड़े से बाकी हैं, थोड़े और उठेंगे, लेकिन पाव जो है अपने मोल्ड से भी ऊपर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने टेम्परेचर लगा दिया 190 पे 10 मिनट के लिए। अब इसको पाव मैंने बेकिंग में डाल दी, इसको बंद कर लिया मैंने ओवन। दोस्तों हम जब बेकिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा और उठे हैं ये बेकिंग करते समय, अभी भी टाइम बचा हुआ है, पूरे 8 मिनट है। ये देखिए दोस्तों पाव डन हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगा पाव को। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने रख दिया है, इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे अभी, शाइनिंग आएगी दोस्तों इसमें। ये भी है, देखिए दोस्तों मैंने अब हॉट डॉग डाल दिया बेकिंग के लिए, 7 मिनट लगा दिया मैंने इसको, ऑयल लगा लिया मैंने इससे, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा इसमें शाइनिंग आ रखी है। ये देखिए इसमें लगा लिया, और मैं आपको दूसरी ट्रे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें भी ऑयल लगा लिया, देखिए शाइनिंग आपको दिख रही होगी। देखो जैसे हमारे वो वाले हॉट डॉग आते हैं ना साइज़ में, ये वाले भी अपने अपने साइज़ में ही आए, मतलब मेरे कहने मतलब अपने मोल्ड के साइज़ में ही आए, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आए अंदर नहीं आए। तो हमने देखिए इसी मोल्ड के हिसाब से बनाया था, आप छोटे बड़े जिस हिसाब से बना सकते हैं। इसको भी ठंडा हो जाएगा तो इसको भी डीमोल्ड कर लेंगे, देखिए काट लेंगे। ठीक है, ब्रेड नाइफ यूज़ करी हुई है, देखिए धार लगे हुए हैं, तो हमारी जो भी नाइफ होती है ब्रेड से ही कटती है। और ये देखिए तो बहुत अच्छे, देखो कितना सॉफ्ट है ब्रेड में, देखिए कितने अच्छे जाले आए हुए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना क्वालिटी कैसे चेक करते हैं ब्रेड की। धीरे धीरे नाइफ चलाना है, ये नहीं कि एकदम जैसे प्याज काटता घर में वैसे नहीं, क्योंकि ये ब्रेड ये नाइफ अलग है ब्रेड, और हमारा सामान भी अलग है, ये कोई सब्जी नहीं है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे काटते हैं। प्लस देखिए सॉफ्टनेस देखिए ब्रेड की, तो लाएंगे धीरे धीरे फिर यहाँ तक लास्ट तक लेके आएंगे। और ब्रेड भी सॉफ्ट है दोस्तों, गर्म है रखिए, इसीलिए ब्रेड भी गर्म है दोस्तों। देखिए सारे पाव काट लिए मैंने यहाँ पे, तो दोस्तों अब एक ही डो से हॉट डॉग पाव सॉफ्ट रो बर्गर बन इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे बर्गर बन का डो लगता है वैसे ही सेम आपको राउंड करके रखना है। जो मैंने आपको रेसिपी के बारे में बताया, मेथड्स बताए हैं, या फिर आप किस तरीके से बना सकते हैं अपनी ब्रेडों को, जब भी आप अपनी ब्रेडों को काटो दोस्तों उसको पहले ठंडी होने देना, क्योंकि जो ब्रेड होती है गर्म में नहीं करती है, यानी कि एक तरह से सिकुड़ जाएगी, वो बुरबुरी हो जाएगी, मतलब वो टूट जाएगी, तो उसको पहले ठंडा किया जाता है फिर उसको काटा जाता है। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो इन्जॉय करी होगी, आपको एक एक नॉलेज के बारे में मिल गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त, जय हिंद।